नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों एवं पत्रकारों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के रूप में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कार्यक्रम के अनुरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में 25 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान चलाने जा रहा है एवं इसी तारतम्य में कार्य योजना की जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा सहटो संभाग की बैठक संभागी प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा देवी श्री भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित सिंह, अनूपपुर जिला अध्यक्ष रवि राठौर सहटोल, जिला अध्यक्ष प्रियम त्रिपाठी ने आज दिनांक 27/8/2022 दिन शनिवार को उमरिया में आयोजित संभागीय बैठक के पश्चात दी। बैठक में शहडोल संभाग के शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जिले में निवासरत प्रदेश पदाधिकारी तीनों जिलों युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हम पूरे मध्य प्रदेश में 75 लाख वृक्षों का रोपण करके जा रहे हैं और युवा मोर्चे को बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत भरोसा जताया है कि हम सभी को मिल करके हरा भरा मध्य प्रदेश। उमरिया में आयोजित संभागीय बैठक में युवा मोर्चा ने कार्यक्रम लिया हुआ है आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 75 लाख पौधे लगाने का युवा मोर्चा को लक्ष्य मिला है। उसी निमित्त आज ये बैठक आयोजित। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया है कि 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जो कि हर जिले में हर पंचायत स्तर तक पौधे लगाए जाएंगे। इसकी एक टीम बनाई जा रही है, टीम के माध्यम से ये काम किया जा रहा है और युवा मोर्चा को ये काम सौंपा गया है।